सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली बहुत दिनों से बहुत सारे भाई लोग परेशान थे इस चीज़ के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनली टेक्स्ट मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर पहली चीज़ की भाई ये बताओ आपकी जेडी की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी और कैसे आपका सिलेक्शन हो पाया और कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे सारा चीज़। तो सारा चीज़ मैं दोस्तों आज इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो, आप SSC GD की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्पेशली SSC GD की, ठीक है, या फिर SSC की और भी बात कर लें जो भी गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन है, जैसे MTS हो गया, चाहे किसी भी डिफेंस फोर्स की। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे स्टूडेंट के मन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि मैथ वगैरह की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी। मैथ, ठीक है, मैथ जो है दोस्त आपका SSC में की रोल प्ले करता है और SSC में दोस्तों जो है आपका सिलेक्शन का जो संभावना है मैथ डिसाइड करता है, ठीक है। उसके साथ में और भी है, जैसे GK GS हो गया, ठीक है, और रीजनिंग और हिंदी, तो फिर ये आपके हाथ का हो गया कि अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो फिर ये आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे SSC GD में 124 मार्क्स थे, 124 नंबर थे 160 में से, ठीक है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली जो मेरी कास्ट थी जनरल थी और जो कैडर वगैरह हो गया जो अलॉट हुआ है, तो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा, कुछ रीजन है। तो बेसिकली अब प्रिपरेशन के ऊपर हम आते हैं कि प्रिपरेशन में आपको करना क्या है। तो सिंपल दो तीन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। जैसे GK GS के लिए स्टूडेंट पसंद है कि GK GS में 20 क्वेश्चन से कहाँ से करें, कैसे, क्या सिलेबस है, यूट्यूब पे ये भी क्लास पढ़ी हुई, यूट्यूब पे वो भी क्लास पढ़ी हुई, यूट्यूब पे ऐसे है वैसे, तो भाई यूट्यूब पे कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको मैं बता दूंगा पर्सनली, उनसे आप क्लास कर सकते हो, ठीक है, कोई ये नहीं है। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जैसे आपका करंट अफेयर्स का जहाँ तक बात रहा, करंट अफेयर्स बेसिकली मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जहाँ से प्रिपेयर किया, मैं किसी और का नहीं, बहुत सारे लोग हैं बहुत जगह से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको स्टार्टिंग में सुबह सुबह आपको 6:30 बजे के आसपास एक कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस की, उनकी क्लास आती है, आपको वहाँ से जो है करंट अफेयर्स का जो बेसिक है आपको वहाँ से देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, स्पीडी के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है, स्पीडी का करंट अफेयर्स आप ले लो, एक बार पढ़ो, यकीन मानो आपको किसी भी टीचर से करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा यकीन मानो आप। कुमार गौरव सर जो भी कवर करवाते हैं वो भी आपका सारा मेंशन रहता है SPD के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका एक GK GS की जहाँ तक और भी बात रह गई, तो आपका लूसेंट बेस्ड है, लूसेंट आप ले लो, लूसेंट पढ़ो, लूसेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारा आपका कवर हो जाएगा, एक्यूरेट सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ और एक कि और टीचर यूट्यूब से कहाँ से करे, तो आपका अड्डा 247 में भी एक दो टीचर्स हैं, ठीक है, और आपका आशुतोष सर हो गए, या फिर आप RWA जो है आपका रोजगार भी थंकी, तो वहाँ पे नवीन शर्मा सर हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सभी लोगों को मैं डिटेल्स में पूरी बता रहा हूँ जहाँ से मेरी जर्नी थी, ठीक है। GK GS की बात हो गई, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में दोस्त आपको करना कुछ नहीं, रीजनिंग में सिंपल अगर मैं बताऊँ तो रीजनिंग के लिए आपको जो बुक्स वगैरह हैं, कोई भी आप बुक अगर रीजनिंग की एक भी कोई बेसिक बुक आप परचेज कर लो मार्केट से, और आप यकीन मानो कि अगर आप रीजनिंग बनाते जाओगे ना, मीन्स की रीजनिंग कवर करते जाओगे, हर एक टॉपिक को आप देखो जो समझ में नहीं है, तुरंत यूट्यूब पर सर्च किए, किसी भी टीचर का देख लिया, रीजनिंग में कोई ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली उन्हें का देखो तो हो पाएगा, रीजनिंग ये आपके हाथ की चीज़ है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो हिंदी वगैरह हो गई क्लासेस आपके और इंग्लिश वगैरह हो गई, तो हिंदी के लिए दोस्तों एक बेस्ट टीचर हैं आपके अड्डा 247 पे आप चले जाओगे, तो अड्डा 247 पे आपके हिंदी के लिए या फिर RWA पे भी टीचर्स हैं, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हो। अतुल सर हैं आपके अड्डा 427 पे, उनका फिर एक बार आप क्लास लेके देखो, मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर बोलना। और RWA का भी है तो उनका भी बढ़िया है, या फिर आप सुनो किसी का क्लास व्लास, मतलब आप सिंपल करो क्या कि आपको जो आपका ये एक विद्यासागर पब्लिकेशन की या फिर जो बुक आती है विद्यासागर पब्लिकेशन की, यहाँ से सुनना, लूसेंट की हिंदी आपको नहीं लेनी है, विद्यासागर की। विद्यासागर में है क्या कि जितना भी है ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं है, बस विद्यासागर आपको परचेस करना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई ये बता दो कि मैथ हम कहाँ से करें, मैथ जो आप बता रहे हो कि मैथ की रोल प्ले कर रहे हो, मैथ कहाँ से करें। भाई देखो, अगर SSC GD के लिए आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक तो आप सभी को क्लियर होगी, ऐसे आप वीडियो देख नहीं रहे हो, अगर बिगनर हो तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं आपको सीधे चले जाना है अड्डा 247 पे, और वहाँ पर टीचर एक हैं आपके अतुल सर, ठीक है, एक मिनट, अतुल नहीं, अक्षय सर, ये माफ़ कीजिएगा, अक्षय सर हैं, अतुल सर तो हिंदी के, अक्षय सर हैं। आप एक बार उनकी क्लास लेकर देखना, आपको मजा नहीं आएगा तो फिर बोलना, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन वगैरह कराते हैं आपको सीधे तोड़ देते हैं, मीन्स की
रेशियो मेथड से करवाते हैं। और भी टीचर्स हैं लेकिन मैंने बेसिकली वहाँ से देखा था तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और बाकी आप और भी मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट ले लोगे, अपना प्रैक्टिस करते रहोगे। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको टेस्ट देना है। ये हर एक टॉपर्स के मुँह से सुने होगा कि आप टेस्ट देना है, टेस्ट से होगा क्या, टेस्ट देना है, टेस्ट से क्या होगा, टेस्ट देना है। मीन्स कि आपके मन में ये आता होगा और हर एक टॉपर ये सजेस्ट करता है कि आपको टेस्ट देना है, एक मॉक देना है। मॉक से देखो होता क्या है, आप RWA पे दो, टेस्ट बुक पे दो। टेस्ट बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि टेस्ट बुक में आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है। तो फायदा क्या होता है, उससे फायदा मैं आपको 2-3 बेनिफिट्स बता दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फायदा यही है टेस्ट बुक से कि टेस्ट बुक पर जैसे ही आप परचेज करोगे पास कोई भी और आप टेस्ट दोगे, तो देखो होता क्या है ना कि अगर वहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, डेली आप एक एक टेस्ट दोगे, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके क्वेश्चंस करने के। और कुछ नहीं होगा ना भाई, तो अगर यकीन मानो कि अगर एक बंदा है जो रेगुलर अगर टेस्ट दे रहा है, केवल टेस्ट दे रहा है, उसने कुछ स्टडी नहीं किया, बस केवल टेस्ट दे रहा है रोज, लेकिन रोज अगर नियमित टेस्ट दे रहा है, तो वो भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा 100 के आसपास स्कोर कर लेगा, क्योंकि टेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप रोज क्वेश्चन के साथ में मिल रहे हो, आप क्वेश्चन के साथ में मीन्स की इंटरेक्ट हो रहे हो, क्वेश्चंस को देख रहे हो कि क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो यकीन मानो कि आपका बहुत चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आप ये फॉलो करते हो तो यकीन मानो कि आप इस पेपर में, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है और आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। और ज़्यादा भटकने की भाई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले चीज़, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैं वहाँ भी देख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, नहीं भाई, सेल्फ प्रिपरेशन करो और तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपके आपको कोई और समस्या है, किसी चीज़ की और दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो आप भाई समझ के मुझे बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, फिर पर्सनली मेरे पास मैसेज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।